बहुत महत्वपूर्ण है, अनअकाउंटेड फंड सबसे ज्यादा किस मंत्रालय में है? गृह मंत्रालय में। और ममता बनर्जी उस मंत्रालय की मंत्री हैं, वो विभाग उनके पास है। 3400 करोड़ रुपए कंटिजेंसी फंड से घोटाला कर दिया ममता बनर्जी आपने, रोहिंग्या को दिया, अपने परिवार वालों को दिया, या दंगे कराने के लिए इस्तेमाल किया? हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, तो दंगे कराने के लिए दिया है? ये गृह मंत्रालय की बात हो रही है इसलिए ये बात उठा रहा हूं, या ईडी के अधिकारी जाएंगे तो जो आपके सारे अपराधी छवि के नेता हैं उनको देने में ये लगाए हैं? ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे। और तीसरी बात, ये सबसे ज्यादा चिंताजनक है, पर्सनल अकाउंट्स, निजी खाते, सीएजी रिपोर्ट ने फ्लैग किया है ये इश्यू भी। फंड्स आए 160 निजी खाते थे और उनमें करीब मार्च 2021 तक की ये जो समय सीमा है उसमें 3465 करोड़ रुपया था। तो इसका ऑडिट कैसे हो सकता है कि भाई आप अकाउंट्स का विवरण दें और उसमें जो रुपया है उस रुपए को सीएजी देखे कि सही से यूटिलाइज हुआ, कितना पड़ा है? लेकिन यहां से हुआ खेला होबे, खेला होबे क्या, भ्रष्टाचार का खेला होबे। ये जो सारे अकाउंट थे वो अकाउंट बंद हो जाते हैं, नए अकाउंट खुल जाते हैं, इससे क्या लाभ होता है कि वो नए साल के अकाउंट्स हैं, सारा रुपया इधर आया और इधर से खर्च किया अपने निजी आवश्यकताओं के लिए या पार्टी के लिए या दंगे कराने के लिए? राशि छोटी मोटी नहीं है, मैंने आपको बताया 2,30,000 करोड़ करीब करीब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में, अनअकाउंटेड कंटिजेंसी फंड में थी 3400 करोड़, और ये जो पर्सनल डिपॉजिट्स है इसमें है राशि 5000 करोड़ रुपए। ये तीनों जो अहम बिंदु आपके समक्ष उठाए हैं इससे एक बात जरूर उजागर हो गई है, चोरी भी मैं करूंगी और सीना चोरी भी मैं करूंगी, मैं कानून से ऊपर हूं, मुझसे कोई सवाल ना पूछे। सवाल पूछेगा तो गुंडा राज है, मेरे गुंडे हैं पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की सरकार में तो निर्दोष मार दिए जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, अफसरों के साथ गुंडागर्दी होती है, पीटा जाता है, सारी संस्थाओं को जो संवैधानिक है, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं, उनको डराने का काम कोई कर रहा है तो ममता बनर्जी कर रही है।